नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। पार्ट वन पार्ट टू के वीडियो आपके सामने आ चुके हैं और उस वीडियो को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना फीडबैक दिया कि किस क्या किस तरह से वीडियो में और सुधार होना चाहिए। उसी सुधार को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और आज पार्ट थ्री में रेलवे ग्रुप डी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने इसे, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इंदिरा गांधी, श्रीमाओ भंडार नाइके, मार्गरेट थैचर, बेंजीर भुट्टो। तो मैं आपको पहले बता दूं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछी जाती रही है तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होना है, लेकिन विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगी तो सीधा हम चले जाएंगे श्रीलंका में। जी हाँ, श्रीलंका में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? तो श्रीलंका की। अब मैं उसका नाम बताता हूँ, इसका आंसर है बी नंबर, श्रीमाओ भंडानाइके, यानी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडानाइके थी, जो कि कहाँ की थी? श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया जाए तो आप क्या आंसर दीजिएगा? तो इसका आंसर आपको सामने दिख रहे होंगे, लोहे में जंग लग जाना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का अपघटन, उपरोक्त तीनों। तो पहले मैं आपको बता दूं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा अर्थ होता है जो मूल अवस्था होती है, और अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वो जो चेंज हो गया वापस उस अवस्था में नहीं आ पाएगा, तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि पहले वो चीज है वापस उसी मूल अवस्था में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लोहे में अगर जंग लग गया तो वापस लोहा जंग हट के उसी रूप में आएगा? नहीं आएगा। लकड़ी जल जाएगा तो वापस लकड़ी की अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। लकड़ी का अपघटन हो जाएगा तो वापस उस लकड़ी में आएगा? नहीं आएगा। उपरोक्त तीनों, जी हाँ, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अपने बदलने के बाद उसी मूल अवस्था में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, पुष्यभूति वंश का शासक जो हर्षवर्धन था, 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र के निकट थी। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित कर ली। तो आपको आंसर मिल गया होंगे, कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? अब जैसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में कुछ तो जरूर आ जाएगा, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रांस के भाषाविद और समाजशास्त्री पियरे दी कुबर्टिन। जी हाँ, नाम सुन लेंगे ध्यान से, पियरे दी कुबर्टिन को जाता है, जो यूनान की राजधानी एथेंस में 4 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था, यानी यूनान की राजधानी में इनके द्वारा, पियरे के द्वारा एथेंस में, फ्रांस की राजधानी सॉरी यूनान की राजधानी एथेंस में 4 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेलों का, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया गया था। तो आंसर आपको मिल गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब करवाया गया था? तो 1896, अगर आप डेट के साथ मैं आपको बता दूं तो 4 अप्रैल 1896। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना कितने कमांडो में संगठित है? चलिए अब नौसेना कितने कमांडो में संगठित है, तो मैं आपको पहले बता दूं नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय नौसेना, आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4। तो पहले इसका आंसर दे देता हूँ, भारतीय नौसेना जो है वो 3 कमांडो में विभक्त है। अब 3 कमांडो कौन कौन से हैं सुन लेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको याद नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन से याद हो जाए तो अच्छी बात है, सुनेंगे। पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम, और जो तीसरा है वो है दक्षिणी नौसेना कमान, जो कहाँ है? कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? अब यहाँ पे आप 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, प्रशांत नजर आ रहे हैं, हिंद नजर आ रहा है, आर्कटिक और अटलांटिक। पहले हम आपको बता दो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर,
चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर और पांचवें नंबर पे आपका अंटार्कटिक कह सकते हैं, कह सकते क्या है ही। तो इसमें बता दे, इसमें पूछा जा रहा सबसे छोटा महासागर कौन सा है, प्रशांत तो होना नहीं है, हिंद होना नहीं है, अटलांटिक होना नहीं है, तो बचा क्या आर्कटिक महासागर। इसमें से निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दस के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई, काल में किसकी बात की जा रही है, देखें आप रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई, ऑप्शन नजर आ रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखे दोस्तों मैं आपको जो बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, इसी के काल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया गया, इसी के समय में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा प्रारंभ हुई। इसका पहला आंसर है लॉर्ड डलहौजी। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है, तो पहले आपको आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल जरूरी है, वह है क्या, चूना पत्थर, बालू, सेल, क्ले और लो एस्क। अब आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन में नजर आ रहे होंगे चूना पत्थर, लो एस्क, चिकनी मिट्टी, उपयुक्त सभी, तो आंसर तो आपको पता चल ही गया। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है, कौन सा जरूरी है, तो ये सारे जो तीन ऑप्शन में दिए हैं चूना पत्थर, लो एस्क और चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इससे पहले बता दें कि रक्त में जो उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं जिसको हम लोग आरबीसी कह रहे हैं, ठीक है, वो अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण आप देख लें, पलीहा में नहीं, अस्थि मज्जा में, जी हाँ ऑप्शन आपको मिल गए हैं, लीवर में, हृदय में, नहीं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया कब, पहले इसके बारे में कुछ, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को, प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को, आंसर मिल गया 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र, पूर्व सोवियत संघ कह ले या फिर आप कह ले रूस कह ले, प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और पुनः भारत के दूसरे उपग्रह की बात भी बता दो आपको, हो सकता है उससे रिलेटेड पूछा जाए। दूसरे उपग्रह का नाम था भास्कर प्रथम, यानी भास्कर वन का प्रक्षेपण भी 7 जून 1979 को वही सोवियत संघ से ही छोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, आंसर भी मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं समझ आया तो वापस थोड़ा पीछे करके वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके वीडियो में भी ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है, कॉफी, अगर ये क्वेश्चन ना पूछा है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके पहले सामने रख दूं तो कॉफी के लिए कितनी वर्षा होना जरूरी है, तो आपका आंसर होगा 125 to 300 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। कितना तापमान होना जरूरी है, तो 12 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आंसर में आते हैं, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, ए और बी यानी उष्ण और शीतोष्ण दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंध, इसका आंसर है उष्णकटिबंध। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, ऑप्शन देखें अली बंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रीय के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में आंदोलन था, भारत में इसके अग्रणी नेता माने जाते हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अगर इसका आंसर आपसे पूछ दिया जाए इसका आंसर क्या है, तो इसमें से आप देखेंगे अली बंधु, मैंने आपको नाम बताया अली बंधु का, क्या बताया,
पहला नाम बताया मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा नाम बताया सौगत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, प्रोटॉन, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, या तीनों प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं तीन चीज, दो चीज, सॉरी परमाणु के नाभिक में होते हैं दो चीज, लेकिन वो कौन से हैं? तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बना है, प्रोटोन से बना है, न्यूट्रॉन से बना और इलेक्ट्रॉन से बना। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडोस्कोपी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? आप पहले सुन लीजिए, इंडोस्कोपी होता क्या है। इंडोस्कोपी तकनीक जो पेट या शरीर के आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा किस में किस विधि से होता है? ऑप्शन देखें आपने, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होना है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन ठोस नहीं है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोनिशियम, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन ठोस नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोनिशियम, पारा। आंसर आपको नजर आ रहे हैं, तो इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो आपको पता है पहले से ही कि जो पारा होता है वो ठोस में नहीं होता है, जो पारा होता है वो ठोस में नहीं होता है। सोडियम ठोस में होता है, पोटेशियम ठोस में होता है, स्ट्रोनिशियम ठोस में होता है, लेकिन पारा ठोस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? इसका आंसर आप याद ही कर ले, ठीक है, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने राणा टिगरीना का नाम दिया है, ठीक है। मेढक एक उभयचर प्राणी है, हो सकता है पूछा जाए मेढक कैसा प्राणी है, तो मेढक एक उभयचर प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? चलिए बता देता हूं, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वह है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? तो CH4 है, लेकिन इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और मीथेन में क्या क्या पाए जाते हैं? मीथेन में पाए जाते हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जब पाचन क्रिया होता है तो प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या माल्टोस। तो इसका आंसर होना है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल ज्यादा होता है? निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर कछुआ, हाथी, व्हेल, डायनासोर। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कछुआ। इसी प्राणी का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, कछुआ का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में जितने भी दोस्त के ग्रुप हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और भी ज्यादा से ज्यादा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।